हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेली टेक के एक और एपिसोड में। और यहाँ पे जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज आ चुकी है, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ में, और पहली खबर जो है वो आ रही है रियलमी की तरफ से। और Realme का जो है C12 स्मार्टफोन अब इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे जो है वो लिस्ट हो चुका है, और हमें जो ये स्मार्टफोन है जल्दी ही इंडिया में देखने को मिल सकता है। क्या आप C12 के लिए इंटरेस्टेड है इंडिया में? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज जो है वो आ रही है क्वालकॉम की तरफ से। और क्वालकॉम के जो चिपसेट्स पे रन होने वाले मिलियंस ऑफ स्मार्टफोन से वो अब बहुत ही बड़े रिस्क में आ चुके हैं। और इसमें जो DSP यूज होता है, यानी कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, उसमें जो है वो एक वल्नरेबिलिटी यहाँ पे देखी गई है, जिसके चलते हैकर जो है वो आपका फोन इजीली हैक कर सकते हैं, और आपके स्मार्टफोन में जो भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा है उसको वो लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो क्वालकॉम ने इस पर स्टेटमेंट देके बता दिया है कि वो जल्दी से जल्दी इस बग को जो है वो फिक्स कर देंगे। फिलहाल के लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हमें आगे भी चल के ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, ऐसा एक रिपोर्ट के द्वारा हमें पता चल जाता है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको इस सब के बारे में? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना। तो बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज जो है वो आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और टिकटॉक परचेसिंग के चलते माइक्रोसॉफ्ट जो है वो काफी न्यूज में था पिछले 2-3 दिन से, और अब जो है ऐसे बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो शेयर चैट में भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है। टोटल $100 मिलियन की जो है वो ये डील हो सकती है इन्वेस्टमेंट की। देखते हैं कितनी जल्दी माइक्रोसॉफ्ट इसमें इन्वेस्ट करता है या नहीं। अभी तक तो ऐसी बातें चल रही है, कुछ कन्फर्म न्यूज अभी तक नहीं आई है। जैसे ही कुछ कन्फर्म न्यूज आएगी हम आपको जरूर से बता देंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज जो है वो आ रही है इंटेल की तरफ से। और ऐसे बताया जा रहा है कि इंटेल का जो है अराउंड 20 GB ऑफ इंटरनल कंपनी डेटा जो है वो इंटरनेट पे लीक हो चुका है। एक इंजीनियर ने इसको जो है वो लीक कर दिया है, और उसको किसी एनोनिमस हैकर की तरफ से ये सारा डेटा जो है वो मिल चुका था। तो दोस्तों कुछ भी सेफ नहीं है वर्ल्ड में, प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। इतनी बड़ी कंपनी का जो भी है वो डेटा लीक हो रहा है इंटरनेट पे, तो आप अपने स्मार्टफोन को बहुत अच्छे से यूज करिएगा। उसमें कोई भी मलिशियस लिंक हो तो उसको क्लिक मत करना, उसको कुछ भी डाउनलोड मत करना, और अपने स्मार्टफोन को सेफ रखना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज जो है वो आ रही है हुआवे की तरफ से। और हुआवे जो है अपने किलिंग के 1000 सीरीज के प्रोसेसर को अनाउंस कर देगा 5th of September को, ऐसा उन्होंने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है। और ये जो प्रोसेसर है ये हमें सबसे पहले देखने को मिलेंगे Mate 40 सीरीज में, जो कि उसी दिन अनाउंस होगी चाइना में। तो देखते हैं क्या खास होता है इस प्रोसेसर में, और कितना पावरफुल ये प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है 5th of September को। तो दोस्तों अगली न्यूज की बात करें तो वो भी आ रही है रियलमी की तरफ से, लेकिन रियलमी का इस बार जो है वो एक टीवी लिस्ट हो चुका है BIS सर्टिफिकेशन पे। तो रियलमी का हमें शायद से कोई एक टीवी जो है वो जल्दी ही देखने को मिल सकता है इंडिया में, अपार्ट फ्रॉम उनका जो वो एक प्रीमियम टीवी उन्होंने अभी टीज किया था हाल ही में, उसको छोड़ के एक और टीवी जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कितने जल्दी ये टीवी हमें इंडिया में देखने को मिलता है, और क्या प्राइसिंग पे ये जो है वो इंडिया में लॉन्च हो जाता है। और टीवीज की बात करें तो नोकिया की भी जो है वो 2 टीवीज BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुके हैं। एक जो है वो 32 इंचेस का है और दूसरा जो है वो 50 इंचेस का है। तो जल्दी ही हमें नोकिया की तरफ से भी 2 जो है वो टीवीज देखने को मिल जाएंगे इंडिया में जल्दी ही। क्या आप इंटरेस्टेड है नोकिया के स्मार्ट टीवीज में? आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ, और आखिरी खबर जो है वो आ रही है पोको की तरफ से। और पोको X2 स्मार्टफोन के लिए जो है अब MIUI 12 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप पोको X2 यूज कर रहे हैं तो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना कि आपको MIUI 12 का अपडेट आया है या नहीं आया है। और इसी के साथ में ही पोको का जो F1 है इसमें भी हमें जल्दी MIUI 12 का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से जो है ये रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा पोको F1 के लिए। तो उसके लिए भी आप जरूर से वेट करना अगर आप पोको F1 यूजर है। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस डालूं तो आपको सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।